स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एडुटेक की इस नीट यूजी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की इस लाइव क्लास में, जिसमें कि आज बच्चों आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, जिसमें कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आने वाले सारे जितने भी नीट में क्वेश्चन है वो सब पढ़ाए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों को, चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं आपने किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, साथ साथ में लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और कमेंट करिएगा। तो निश्चित तौर पर यह क्लास होने वाली है आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस क्लास में जो टॉपिक दोस्तों पढ़ाए जाएंगे आज आपको, वो डेफिनेटली वो सारे टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे जिनसे कि नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। इसके साथ साथ में जो PYQs हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, वो अगले दिन कराए जाएंगे। तो आज की इस क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ये सारी चीजें आज हम आपको बच्चों बताने वाले हैं, ठीक है, नीट यूजी 2023 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सब आज आपको हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ साथ में लाइक करिए शेयर करिए दबा करके, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पर क्लास में ज्वाइन होते जाएंगे जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर देना। हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है, एक बार जरा सभी बच्चे जो है यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। यस सभी बच्चे, यस थोड़ा सा स्क्रीन पे जो चीज आ रही है बिल्कुल क्लियर है, यस डेफिनेटली। तो शुरुआत करते हैं बच्चों क्लास की। इस क्लास में आज आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ध्यान से देखना बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं और जहां जहां के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करने जाना। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स हैं जहां से ये क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा जो टॉपिक्स हैं या आखिरकार कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ पर टॉपिक कौन से हैं और वो सिलेबस भी कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो जो सिलेबस है वो क्या आपका कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी अगर बात कर लें तो जितनी भी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एनोड रे वगैरह हैं, ये सब चीजें हालांकि सिलेबस में, ठीक है, नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसका रीजन है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड फिजिक्स से पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो तो मॉडर्न फिजिक्स में है ही है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एनोड रेज, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो उसका भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले जो डिस्कवरी है ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इससे रिलेटेड जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रेस, एनोड रेस, ठीक है, और इसके साथ साथ में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान देना बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इतना डिस्कवरी के स्टडी करने के बाद में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो अब इसके बाद में आपको देखने को दोस्तों मिलता है यहां पर जो एटॉमिक मॉडल्स देखने को मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक मॉडल्स, इन एटॉमिक मॉडल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर थॉमसन के मॉडल से लेकर के, थॉमसन का मॉडल हो गया, दूसरा रदरफोर्ड का मॉडल है दोस्तों, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होगा, और इसके साथ साथ में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बाद में, बोर के एटॉमिक मॉडल के बाद में बच्चों यहां पर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल होगा। ध्यान से समझिएगा, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, और अब यहां पर हम जो है मॉडर्न एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल जब आ रहा है, तो उसी दौरान हालांकि जो चैप्टर है उसका जो ओवरव्यू है उसको अगर देखते हुए चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो सिलेबस जो चलता है उसके अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होता है कि कुछ और भी चीजें आ जाती हैं लाइकवाइज की। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आ जाता है, तो हालांकि हम टॉपिक सब एक साथ लिख देते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ जो रेडिएशन है इस टॉपिक के अंतर्गत, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलती हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, यहाँ पर आप जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली चीज। दूसरा आप यहाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दो चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हालांकि होता है हीट कैपेसिटी भी, लेकिन हीट कैपेसिटी का सवाल कभी नीट में इस तरीके का सीधे सीधे यहां से नहीं पूछा गया कभी भी, तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर होता है, दोस्तों ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड यहां पर जो डेब्रोगली का इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेब्रोगली इक्वेशन हो गया, साथ साथ में इसके बाद जो है हम आगे जो है हाइजेनबर्ग का जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं। ये अब आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है, ठीक, इसके बाद में हम थोड़ा सा पहले बात और कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर होता है, अब मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के बाद में हम यहाँ पर बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आफबाउ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है, आफबाउ प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, लेकिन है अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। अफबाउ प्रिंसिपल है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है, सभी एलिमेंट्स का, और साथ साथ में ये इसके साथ साथ में हम यहाँ पर जो है, ठीक है, अब जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं उनको यहाँ पर अब स्टडी करेंगे, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है दरअसल इसको जो है, ठीक है, इसको क्वांटम, ठीक है, मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, क्वांटम मॉडल भी है, ठीक है, श्रोडिंगर ने जो वेव इक्वेशन दिया था, ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी जो है उसके बेसिस पर जो है ये मॉडल एक्सप्लेन किया जाता है। तो क्वांटम नंबर्स यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किए जाएंगे, जिसमें कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस, और स्पिन क्वांटम नंबर एस की बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, और देन उसके बाद जो है एक्साइटेड स्टेट, और ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट में जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होती है इसको देखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में और ग्राउंड स्टेट वगैरह में। साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, कब जो है कोई एलिमेंट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो, और अगर डायमैग्नेटिक होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। साथ साथ में यहाँ पर शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है अफबाउ प्रिंसिपल से ठीक पहले, यहाँ पर क्वांटम नंबर के साथ साथ में आप शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ते हैं, जिसमें एस पी डी एफ सभी ऑर्बिटल्स के आप शेप्स वगैरह को स्टडी करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे आते हैं सबसे ज्यादा, पहली बात अगर हम करें जो वेटेज है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकल के आता है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज, तो वो मैं बता दूं आपको कि जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पहली बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो डेब्रोगली का इक्वेशन है, और तीसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तीन ऐसे टॉपिक है बहुत हॉट हैं, इनसे बहुत ज्यादा जो है, ठीक, नीट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 100% क्वेश्चन मिलते हैं हाइजेनबर्ग से, डेब्रोगली से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल बात है, वो तो सभी जगह पर यूज पूरा केमिस्ट्री में ही होता है, तो इसलिए ऑलमोस्ट इसको आपको पढ़ना ही होता है। इसके अलावा क्वांटम नंबर इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो बोर एटॉमिक मॉडल है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर चूंकि बहुत सारी बातें, यहाँ पे हम बोर रेडियस पढ़ते हैं, बोर रेडियस क्या है ये चीज पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज यहाँ पर बोर रेडियस के अलावा अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक, इसके साथ साथ में बोर रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ अ गिवेन शेल, किसी शेल की भी एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी ऑफ अ गिवन शेल, साथ साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो है, ठीक है, जो वेव नंबर होता है 1/λ या न्यू बार ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। तो हालांकि थॉमसन का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक
ठीक है, जो ज्यादा वेट है आपका आता है वो इन्हीं टॉपिक्स को, जिनको कि मैंने यहाँ पर जो है ठीक एक्सप्लेन जो है डिनोट कर दिया है कि इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में अगर आप देखोगे तो कैथोड रेज और एनोड रेज की जो डिस्कवरी वाला टॉपिक है, इससे कहीं ना कहीं चार्ज टू मॉस रेशियो, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कैसे निकला, किसने दिया, मिल्लिकन ने दिया। इसके अलावा अगर देखें तो मॉस का एस्टिमेशन कैसे हुआ, चार्ज टू मॉस रेशियो किसने दिया, वाइस वर्सा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जो है लिंक शेयर करते जाएंगे अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको। और हम यहाँ पर जो है अब इन टॉपिक्स को जो है एक बार चाहते हैं कि आप जो है अपने पास जरूर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको जो है आप पीडीएफ के फॉर्म में अभी ले लेंगे। थोड़ी देर में मैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करूंगा, तो उससे आपको तुरंत ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये आपको, ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास, शुरुआत करते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एनोड रे से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बता देते हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो, ठीक है, जो टॉपिक आपका है दैट इज डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, कैथोड रे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, जरा ध्यान से देखेंगे उन पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। दरअसल ध्यान रखिएगा उन पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, जो जो यहाँ पर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला, ठीक है, ये किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया गया था कैथोड रे का डिस्कवरी। तो जो डिस्चार्ज, ठीक है, ट्यूब है उसमें उसका यूज करते हुए कैथोड रेस को विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किया था। विलियम क्रुक्स जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, ये साइंटिस्ट रिलेटेड है। और इन्होंने कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी में इसको डिस्कवर किया। कैथोड रे ट्यूब जो कि क्या है, एक तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जो कि एक तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब होती है। अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसके अंदर प्रेशर कितना होता है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो प्रेशर है यहां पर, प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, ये कितना रहता है, 0.001 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये आपको इतना प्रेशर याद रखना है, वेरी लो प्रेशर। इसके बाद जो कैथोड रेज हैं, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं कैथोड रेज। कौन? कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे अगर, तो चौथा पॉइंट, इनके लिए जो चार्ज टू मॉस रेशियो है, ई बाई एम का जो रेशियो है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट है। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए नीट का क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन नहीं आता है। मैं फिर बार बार बता दूं आपको, एक ही चीज पे मैं फोकस करता हूँ, कुछ चीजों को मैं बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, इम्फेसाइज करता हूँ। और वही मैं बोल रहा हूँ कि नीट का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा इजी होता है, ठीक है, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर कोई होता नहीं है। इवन मैं कहता हूँ कि जो बोर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कुछ कुछ एक क्वेश्चन उससे ज्यादा स्टैंडर्ड के होते हैं जो नीट के अंदर क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो अभी इस इधर भी 3-4 साल की बात मैं कर रहा हूँ, उससे पुरानी नहीं बात कर रहा हूँ, 4 से 5 साल का मेरा अपना अनुभव इधर का जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नीट में इजी आते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो रैंक डिसाइडर होते हैं, सिर्फ वो कठिन आते हैं। तो वो उनके लिए बहुत सारे चैप्टर है, वो इन सब चैप्टर से रैंक डिसाइडर क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसके बाद बहुत कुछ पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ई बाई एम रेशियो जो है ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रोड कौन से लिए गए हैं या उसके अंदर गैस कौन सा भरा गया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है ये आपको याद रखना है, और इसकी वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से 1.6 × 10⁻¹⁹ को 9.1 × 10⁻³¹ कूलाम, नीचे केजी है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक वैल्यू ठीक मिल जाएगी, बहुत करेक्ट इसकी आपको एक वैल्यू मिल जानी है, ठीक है। अगर इसको देखें तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू है 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1, ठीक है, तो 0.758 ले सकते हैं, 1.7582 × 10⁻¹, अगर हम यहां पर देखेंगे बच्चा तो 11 ले लेंगे कूलाम पर केजी, ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आप ले लीजिएगा, ये ई बाई एम की वैल्यू है, ठीक। और ये वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यहां पर होगी, क्योंकि चार्ज जो है वो हमेशा किसमें होता है,
माइनस में होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर माइनस 1.75 ठीक है, 82 इंटू 10^11 कूलाम पर केजी लीजिएगा, ठीक है डन। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर पांचवा देखेंगे ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पर जो कैथोड रे है इस केस में जो ग्लो आती है उसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है, और अगर चेंज होता है तो किस बात पर डिपेंड करता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो ग्लो आती है वो जिस मटेरियल की वजह से आती है उस मटेरियल का नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना है। एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम भी मैं साथ साथ में बना देता हूँ ताकि आपको ये चीज जो है हमेशा जो है याद भी रहे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको ये कैथोड रे ट्यूब के केस में ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पर कैथोड लिया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल और ये हमारा एनोड है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है ZnS की स्क्रीन है, ZnS यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। यहाँ पर हम इसको ग्रीन सा यहाँ पर कर देते हैं अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम इसको ग्रीन कर देते हैं, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। और ZnS जो है वो एक फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटीरियल है, ये फॉस्फोरेसेंट मटीरियल है ZnS, ठीक है डन। ये आपको याद रखना है ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, इसको जिंक ब्लेंड भी कहते हैं क्या, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो है इसको किसी सोर्स से जब जोड़ते हैं तो दिस इज कनेक्टेड विद द, ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे सोर्स जो है वेरी हाई वोल्टेज और ऑलमोस्ट 10,000 वोल्ट का सोर्स लेते हैं लगभग, ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज, ठीक है। अब ये बातें आपको याद रखनी कि यहाँ पर जो ग्लो आती है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराने के बाद कैथोड रेज यहाँ से चलती हैं, जाकर के कैथोड रेज जब टकराती हैं सीधे जाकर के किससे, टू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो यहाँ पर ग्लो आती है। जो ये ग्लो आती है उसका कलर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, ठीक है। द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ सोर्स, ठीक है। हाई वोल्टेज जब यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका कलर और चेंज होता चला जाएगा, लो वोल्टेज इस्तेमाल करेंगे तो ऑलमोस्ट हो सकता है ग्लो आपको दिखाई भी ना दे। अब ये जो मटेरियल है, जो मटेरियल यूज किया गया है ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये क्या था, ZnS है, जिंक ब्लेंड है, याद रखना है। और ये एक तरीके का फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ये बातें आपको इतनी याद रखने वाली हैं। ये चीजें आप इतनी याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसी में से क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, बहुत 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 ठीक है, अच्छे से पढ़ाई चल रही है मेरे ख्याल से, ये सारी चीजें जेई मेन्स में भी कहीं ना कहीं पूछी जाती है कहीं ना कहीं। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इन्हीं का जो चार्ज टू मास रेशियो है, एक इम्पॉर्टेंट बात, चार्ज टू मास जो रेशियो है ये एस्टीमेशन जे थॉम्सन ने किया था, ये एस्टीमेशन जे थॉम्सन ने किया था, ये आपको याद रखना है चार्ज टू मास रेशियो। और उन्होंने कैथोड रे ट्यूब का यूज करके किया था, सीआरटी का यूज किया था, ठीक है, सीआरटी का यूज किया था। अब इसमें उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई थी कैथोड रे के पास में, वो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो थे, ये सारे वो की पॉइंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चन निकल के बनते हैं, ठीक, वर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, टू द पाथ ऑफ कैथोड रेज एज वेल, जो कैथोड रेज थी उनके पाथ के भी परपेंडिकुलर थे ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर थे, ये बात याद रखना है, ठीक है बच्चा।
अच्छा चलिए अब यहां पर बात करेंगे जो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, कैथोड रे से संबंधित। अब कैथोड रेज में क्या मॉस होता है? यस होता है। क्या कैथोड रे में चार्ज होता है? यस चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। इनका मॉस कितना होता है? तो आंसर है इनका मॉस इलेक्ट्रॉन का मॉस होता है। अब आती है बात की जो इलेक्ट्रॉन इसको नाम दिया वो किसने दिया, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कैथोड रेज वाज गिवेन बाय स्टोनी, ठीक है। तो जो स्टोनी है उन्होंने जो है इसको नाम जो है इलेक्ट्रॉन का दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो जे जे थॉम्सन है उन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज किया था, अंबर। अंबर जो होता है वो एक, ठीक है, उन्होंने ग्रीक वर्ड यूज किया था जिसका मीनिंग भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन जो है स्टोनी ने ही नाम दिया था। तो ये बात इतनी कैथोड रे से संबंधित होगी। अब बात करते हैं हम एनोड रे से संबंधित। तो एनोड रे जो होती है, अब बात आ जाती है एनोड रेस की। तो एनोड रेस के जो डिस्कवरर थे, ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाई, याद रखना है, गोल्ड स्टाइन। तो गोल्ड स्टाइन ने डिस्कवर किया और इन्होंने जो यूज किया, क्या यूज किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कैथोड रे ट्यूब यूज किया। इन्होंने जो कैथोड था उसमें भी छेद कर दिए थे, ठीक है। तो परफोरेटेड कैथोड वाज यूज, ये इंपॉर्टेंट बात है, परफोरेटेड कैथोड वाज यूज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हो गई है डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टाइन, पहली बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि जो एनोड रेज होते हैं, एनोड रेज वास्तविकता में एनोड से निकलते हैं और कैथोड के पीछे जाके ग्लो देते हैं, ठीक है। तो गिव ग्लो बिहाइंड द कैथोड, बिहाइंड द कैथोड, ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, ये कैथोड रेज जो एनोड रेज है ये डेविएट होती हैं टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ती हैं, यानी कि ये कुल मिलाकर के, ठीक, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं एनोड रेज, डन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा क्या है कि जितनी भी एनोड रेज होती हैं, ठीक, इनमें भी चार्ज होता है, इन पे भी मास होता है, लेकिन इन पे चार्ज पॉजिटिव है और जो इनका मास है वो जो है, ठीक, अलग अलग होता है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी गैस लिया गया इस बात पे। तो जो चार्ज टू मास रेशियो है ये इसका बच्चा वेरिएबल होता है, यानी ये कॉन्स्टेंट नहीं होता है, ये वेरिएबल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वाला बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाली बात होती है इसके लिए कि ये जो इसका, ठीक है, वैल्यू है ई बाई एम का, वो वैल्यू वेरिएबल है। और ये जो ई बाई एम है ये मैक्सिमम कब होगा? तो ये मैक्सिमम होगा व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन, ठीक है, इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो चार्ज टू मास रेशियो मैक्सिमम आता है, ये आपको याद रखना है। और ये वैल्यू कितनी होती है ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर, ठीक। ई बाई एम जो होता है इसकी वैल्यू कितनी निकालनी है, 1.6 × 10⁻¹⁹ करिएगा, फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 1.6725 × 10⁻²⁷ से, ये कूलम हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा। इसकी जरा वैल्यू निकाल देते हैं, 1.6 को 1.6725 से डिवाइड कर दें, 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6725, ठीक है। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कितना आ रहा है, 9.566 × 10⁻¹⁰, उसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पहले 8 था तो फिर ये कितना बचेगा, ठीक है, 7 आ जाएगा, ठीक है, और इसको 9.566 × 10⁻¹⁷ कूलम पर केजी कर दिया जाएगा, ठीक है, डन, ठीक है, क्लियर है। तो 9.566 इसको लिख सकते हैं ऐसे 9.566 × 10⁻¹⁷, ठीक, 7 आ जाएगा कूलम पर केजी, क्योंकि डेफिनेटली हम जानते हैं कि ये जो है ऊपर जाएगा तो 27 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 19 है तो 8 आएगा, लेकिन उसमें से 10 इसको दे दिया जाएगा तो 9.566 समथिंग इतना आ जाएगा। तो ये हमारी जो है ये वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो दरअसल ये प्रोटॉन बनता है, और प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, जिसके अंदर की जो है मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन है। तो 1.6725 × 10⁻²⁷ ही होता है, क्योंकि चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू
कितनी होती है, और अगर इसको हम चाहेंगे तो ग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो इशू, ग्राम भी बनाया सकता है इसको। तो ग्राम जब बनाएंगे तो डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए कैसे बनाइएगा, क्लियर है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ई बाई एम की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, डेविएट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक, ग्लो बिहाइंड द कैथोड, गिव ग्लो बिहाइंड द कैथोड, परफोरेटेड कैथोड इन्होंने यूज किया था गोल्डस्टाइन ने, और जो एनोड रेज होती है ये भी ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है, ठीक है। तो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये कैथोड एनोड दोनों के लिए चलेगा, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। अब ये एनोड रेस जो होती है, एनोड रेस के बाद में अगर हम बात करें तो एनोड रेस जो होंगी हमारी, ठीक है, ये वास्तविकता में क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। इज दैट क्लियर बच्चों, ये बातें समझ में आ गई, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कैथोड रे और एनोड रे से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे 100% नहीं क्यों आने वाला, ठीक है। अब बात हम यहाँ पे करते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है, ये तो यहाँ पर दोस्तों हो गई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी, ठीक है। अच्छा प्रोटॉन किसको कहते हैं, ये बात थोड़ा सा अलग से समझना जरूरी है। तो प्रोटॉन किसको कहते हैं, व्हाट इज प्रोटॉन, ठीक, प्रोटॉन आखिर क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है बच्चा, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा ध्यान से समझेंगे, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसी को बेटा, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को ही प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक खास बात कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, 1H1 होता है, ठीक, 1H1, यहाँ पर 1H1 में ये 1 क्या है, ये आप जानते हैं कि Z यानी एटॉमिक नंबर है, Z यानी एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये 1 आप जानते हैं क्या है, मॉस नंबर है, और सभी बच्चे जानते हैं कि मॉस नंबर जो होता है वो इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जबकि जेड एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, ठीक है, प्रोटॉन यानी पी के नंबर के बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो इसका न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर क्या है, यहाँ पर ओनली एंड ओनली क्या है, ठीक, यहाँ पे केवल और केवल एक प्रोटॉन है, ठीक, और यहाँ पे जीरो न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ पहला ये शेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हटा दें तो माइनस इलेक्ट्रॉन कर दें तो इसके पास केवल न्यूक्लियस बचेगा, और जैसे इसके पास केवल न्यूक्लियस बचेगा उस न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि केवल एक प्रोटॉन है और जीरो न्यूट्रॉन है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसी को बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, ठीक, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि वास्तविकता में क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड द प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे जो भी बच्चे हमारे साथ क्लास में आ गए हैं, ठीक है, अंकित राज, ठीक है बच्चा, जल्दी से जल्दी लिंक शेयर करते जाओ, जो भी बच्चे हमारे साथ आए हैं, सैंडी, लिटिल शाह, लाइफ स्किल, कार्लो बाबा, आप लोग जरा जल्दी से जल्दी जो है लिंक शेयर करते जाइए, अपने फ्रेंड्स को बहुत जल्दी से लिंक शेयर करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास में जुड़ जाएं, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते रहो, कमेंट्स में जाकर के, ये तो चैट करते हैं आप, ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट करिए बच्चा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को जानकारी मिले इस क्लास के बारे में, लेक्चर कह रहे हैं कि हम ये क्लास कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने अभी तक देखा कि इतनी चीज़ें हो गई हैं क्लियर, प्रोटॉन तक बात क्लियर हो गई, अब प्रोटॉन का जो सिंबल है वो क्या है, तो याद रखिए हमेशा कि जो प्रोटॉन का सिंबल है वास्तविकता में 1p1 इसका सिंबल हम यूज करते हैं, इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो 1p, ठीक है, 1 हम यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो मास होता है, ठीक है, वो कितना होता है, ठीक, इसका यूनिट मास है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं तो नेग्लेजिबल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है मास जब भी किसी एटम का होता है तो वो डेफिनेटली वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबका मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम माना जाता है, तो ये कंसिडरेबल होता है प्रोटॉन का मास, तो यहाँ से कहेंगे 1 यूनिट मास होता है, 1 यूनिट इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट मास होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टाइन ने, लेकिन इसको नाम प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था, ये तो इसलिए ये थोड़ी सी बात याद रखनी है कि द नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय, द नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय, ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने इसको, ठीक है, प्रोटॉन का नाम दिया था, तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चा, ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा अब बात आती है, ठीक है, कि यहाँ पर जो नेक्स्ट बात आती है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आती है,
ठीक है, देखिए सारे टॉपिक हम एक तरफ से लेकर के वो चल रहे हैं जहां से रिलेटेड, जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये नीट की क्लास है तो भी ड्रॉपर बैच के बच्चे होंगे या जो भी जो बच्चे हैं यहाँ पर अभी अपीयरिंग भी होंगे, तो वो सबका कॉन्सेप्ट इतना तो क्लियर है कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाने का जरूरत नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है, तो आइए अब देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में समझेंगे कि ये किसने किया था। तो ये आपको याद होगा कि ये, ठीक है, रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके किया था। और इन्होंने यहां पर जो अल्फा पार्टिकल यूज किया था, दरअसल वो क्या होता है, ये इस पर सवाल पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम जो होती है, ठीक है, गैस, उसके एटम का जो न्यूक्लियस है उसे हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। इसका जो सिंबल है 2He, ठीक है, हाँ, और ये हीलियम के एटम का सिंबल है, ये हीलियम एटम है। अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन दो होंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर चार है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 4-P, 4-2 = 2। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है दरअसल वो ये 2P2N है। तो यहाँ देखेंगे कि ये दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पे है और चार यूनिट मास इस पे है, यानी ये प्रोटॉन से चार गुना भारी है और दो गुना पॉजिटिव चार्ज है। ये इंपॉर्टेंट वाला रिलेशन है, ये बच्चा सबको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो ये है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल, तो याद रखना कि जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स आर 2 टाइम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन का से दुगना चार्ज इस पे होता है। दूसरा, अल्फा पार्टिकल्स जो है आर 4 टाइम्स हैवियर देन अ प्रोटॉन। ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और इसका जो सोर्स यहां पर यूज किया गया था, जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स यूज किया गया था, वो रेडियो एक्टिव पोलोनियम का यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव पोलोनियम का इस्तेमाल किया गया था। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो जब बोमार्डिंग कराई गई अल्फा पार्टिकल की, तो फिर वो पता कैसे चला कि यहां पर न्यूक्लियस है, क्योंकि ठीक अल्फा पार्टिकल जो है वो जाकर के डिविएट होना शुरू हुए थे। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का कितना एंगल ऑफ डिविएशन होता है, ये फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आप सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, यानी वो कितना पाथ से डेविएट, अपने पाथ से कितना एंगल डेविएट होता है, ये बात हो क्लियर है। तो मेरे ख्याल से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाली बात क्लियर है। न्यूक्लियस के अंदर टोटल मास होता है एटम का, पूरे एटम का टोटल मास होता है, इसका साइज क्या होता है, ठीक है, इसका याद रखेंगे। इसका जो साइज है, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, ये पहली बात तो ठीक है, 1/10^5, ठीक है, 5 पार्ट ऑफ साइज ऑफ एटम होता है, एटम के साइज का 1/1000 भाग होता है, ठीक, 1/1000 हिस्सा होता है एटम का, यानी एटम के साइज की तुलना में 10^-5 टाइम जो है ये छोटा होता है, ठीक, 10^-5 टाइम, ठीक बात समझ में आ गया। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस हो गया, इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका जो साइज होता है वो 1 फर्मी मीटर के ऑर्डर का होता है, 1 FM के ऑर्डर का होता है। क्या होता है ऑर्डर, ठीक, 1 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर का मतलब क्या होता है, 1 FM का मतलब क्या होता है, 10^-15 मीटर होता है बच्चा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इतनी बारी सारी बातें। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग फीचर है, एक इंटरेस्टिंग फीचर इससे इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर बच्चा क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, हो सकता है कि ऐसा कभी भी ये दे सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्ट की बात क्या है। देखिए यहां सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि यहां पे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो कंपेयर किसके साथ किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है, एज कंपेयर्ड बाय रदरफोर्ड टू बॉल ऑफ टेनिस, ठीक, उन्होंने इसको टेनिस की बॉल से कंपेयर किया, पहली बात।
दूसरी बात उन्होंने जो ठीक है साइज ऑफ एटम को कंपेयर किया, साइज ऑफ एटम को जो कंपेयर किया ठीक है, कंपेयर्ड बाय रदरफोर्ड टू ठीक है आ ठीक है फील्ड ऑफ फील्ड और स्फीयर ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस ठीक है, 1 किलोमीटर रेडियस के एक स्फीयर या ठीक एक फील्ड जो है सर्कल उससे उसकी तुलना की पूरे एटम की। यानी कि उन्होंने कहा कि ये ठीक है जो न्यूक्लियस होता है वो 1/1000वां हिस्सा है, बहुत छोटा होता है साइज में, और इसके अंदर टोटल मास एक एटम का और टोटल पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर रहता है। ये वाली बातें आपको याद रखनी थी। अगला पॉइंट पे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस अगर हो गई है तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्लियर होगी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी। अब बात करते हैं यहां से ठीक एटॉमिक मॉडल्स पे हम आ जाते हैं बच्चा ठीक है। अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में, हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है ना, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं ठीक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो इसकी डिस्कवरी चैडविक ने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी ठीक है, और साथ में कौन से एक्सपेरिमेंट से की थी, तो दरअसल इन्होंने बेरिलियम की जो थिन फॉयल थी ठीक है, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कराया था ठीक है। तो इसमें याद रखना है ठीक है, बॉम्बार्डेड बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन फॉयल ऑफ बेरिलियम बी। अच्छा अब जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग कराया चैडविक ने, तो ये बात ध्यान देना है कि जो बेरिलियम होता है ना उसका सिंबल होता है 4Be9। जैसे ये देखेंगे उसके न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन होंगे और 5 न्यूट्रॉन होंगे। जब इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराया गया किस चीज का, इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग कराया गया अल्फा पार्टिकल का है ना। तो अल्फा पार्टिकल अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि क्या होते हैं, याद होगा कि अल्फा पार्टिकल बताया था हमने आपको कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे ये इसके अंदर जाएगा, जाकर के इसमें मर्ज होगा तो ये बनाएगा क्या, अब बात ध्यान देना, 4 प्रोटॉन पहले से थे, 2 प्रोटॉन और उसमें मिक्स हो गए तो ये 6 प्रोटॉन बन जाएगा, और यहाँ पे 5 न्यूट्रॉन पहले से थे, 2 न्यूट्रॉन और आए ठीक है, तो यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन दिखाते हैं अंदर और 1 चार्जलेस पार्टिकल बाहर चला गया। ये जो है दरअसल क्या हुआ कि यहाँ पे जब चैडविक ने देखा, क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल की जब बॉम्बार्डिंग कराए बेरिलियम पर, तो इन्होंने देखा कि जो बेरिलियम का मास है और जो अल्फा पार्टिकल का मास है, इन दोनों का मास मिला के इस पार्टिकल के मास के बराबर नहीं है। तो आखिरकार मास गया कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो मास है वो इस न्यूक्लियस का मास, इस न्यूक्लियस का मास अल्फा पार्टिकल के मास और ठीक है ये बेरिलियम के न्यूक्लियस के मास से कहीं ना कहीं अलग है, तो मास अलग है और ये मास कम भी है। तो ये कम है क्यों, ये इन्होंने पता लगाने के लिए ये इन्होंने फिर देखा कि जो यहाँ पर है कोई ना कोई ऐसा है पार्टिकल था जो कि ये बनने के बाद में निकल गया है, वो पार्टिकल जो था वो कहीं ना कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी अपने पास से डेविएट नहीं हो रहा, इसका मतलब वो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसलिए न्यूट्रल की वजह से इसको नाम न्यूट्रॉन दिया गया था। ठीक बात समझ में आ रहा है, इसको न्यूट्रल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो न्यूट्रल था इसलिए इसको नाम न्यूट्रल की वजह से न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में सबको आ रही होगी बहुत अच्छे से ठीक है। अब इसका अगर सिंबल देखें तो 0N1 होता है, चार्ज इस पे कुछ होता नहीं है तो चार्जलेस होता है। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है दोस्तों, चार्जलेस पार्टिकल है ठीक है, और ये एक न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन का मतलब समझते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला, तो न्यूक्लियॉन कहते हैं ठीक। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों को ही न्यूक्लियॉन कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं ठीक है, ये फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। तो ये न्यूट्रॉन हो गया, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इसका जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन याद रखना है मास ऑफ प्रोटॉन से हमेशा ज्यादा होता है क्या ठीक है, और इसका मास 1.674 ठीक है (10^-27) ठीक है, ये लगभग इतना केजी होगा, क्लियर है, ग्राम में निकालेंगे तो 20-24 ग्राम हो जाएगा, जबकि हमने देखा था 1.672 जो है वो (10^-27) प्रोटॉन का मास आपने देखा था, प्रोटॉन से हैवी होता है न्यूक्लियर न्यूट्रॉन ठीक है। तो ये आपने देख लिया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अब यहां से शुरुआत होगी प्यारे बच्चों ठीक एटॉमिक मॉडल्स की, जिसमें थॉमसन का मॉडल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहां देखेंगे ठीक है थॉमसन मॉडल,
अब जो थॉमसन का मॉडल था, थॉमसन के मॉडल को हम ठीक है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, साथ साथ में उसी को हम क्या कहते हैं वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं थॉमसन के मॉडल को, ठीक है क्लियरली। अच्छा जब एटॉमिक मॉडल की बात आ रही है तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाद में हुई थी हालांकि, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस पहले इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव पकड़ना है नीट का क्वेश्चन कहाँ से गिरता है। तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरीज एक तरफ हमने क्लियर कर दी है, इसीलिए इसको लिंक नहीं कर रहे आपस में, क्लियर है मेरे ख्याल से बच्चों को बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, क्लियर। तो अच्छा आप देखेंगे प्लम पुडिंग मॉडल वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, इसमें क्या किया इन्होंने थॉमसन ने इसको कंपेयर किया एक वाटर मेलन के साथ, ऐसा किया इन्होंने कंपेयर किया कि जैसे कोई वाटर मेलन हो, ठीक ये इन्होंने किया ऐसा कंपेयर कि मान लेते हैं कि जैसे ये वाटर मेलन है, ठीक है और वाटर मेलन है ये, है ना, और वाटर मेलन के ठीक अंदर जो है इन्होंने सीड से कंपेयर किया यहाँ पर इस रीजन को, यहाँ पर जो है रेड कलर के जैसे सीड होते हैं वाटर मेलन में, वैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जगह जगह पर ठीक है ठीक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, ठीक है जबकि पॉजिटिवली चार्ज पार्ट इन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हर जगह पे होता है, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो हर जगह पे होता है, बिल्कुल ऐसे बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हर जगह पे है, ठीक है इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है ये हर जगह पे है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ना हो, ठीक रेड खाया जाने वाला पार्ट होता है उसमें, हालांकि यहाँ हमने जानबूझ करके रेड से इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ठीक है ये पॉजिटिवली चार्ज रीजन था जो इन्होंने कहा हर जगह होता है, और बीच बीच में रेड कलर से जो दिखाए गए वो सीड है, हालांकि उसमें ब्लैक कलर के सीड होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्होंने बता दिया था, ठीक है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखा दिया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और दूसरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये ठीक है जगह जगह पर धसे होते हैं बीच बीच में पॉजिटिव चार्ज में, ठीक ठीक उसी तरीके से जैसे रेजिन जो है पुडिंग में रेजिन होती है, ठीक है उस तरीके से। तो ये जो मॉडल था थॉमसन का ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन या फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी कैसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा बच्चा, तो ध्यान देंगे क्योंकि इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है वो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कांटेक्ट में गए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर एटम का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होता है तो इसलिए स्टेबिलिटी को ये मॉडल बता नहीं पा रहा है, ठीक है दैट्स इट, ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम लोग आगे जो है थॉमसन के मॉडल के बाद में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की, ठीक है तो जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है, ठीक है बच्चा तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल होता है बच्चा उसमें जो है हम देखते हैं कि उसको हम सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो सोलर सिस्टम मॉडल होता है, ठीक है उसने कंपेयर किया ठीक इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने के बाद में, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई और उधर इलेक्ट्रॉन को जो है डिस्कवरी हो ही चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते हैं जैसे ठीक सोलर सिस्टम में हमारे ठीक है सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं, तो इन्होंने प्लैनेटरी मॉडल दिया या यूं कहें कि सोलर सिस्टम मॉडल या इसी को हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं या सोलर सिस्टम मॉडल। इन्होंने कंपेयर कर दिया कि जिस तरह से यहाँ पे जो सन है ठीक है ये सन है और जो सन है उसके चारों तरफ इन्होंने कहा कि जैसे सन होता है वैसे ही सन के चारों तरफ, जैसे आप जानते हैं कि सन के चारों तरफ बहुत सारे ठीक है जो यहाँ पे आप देख पाएंगे, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि सन के चारों तरफ इस तरीके से ठीक ऑर्बिट में ठीक है प्लैनेट घूमते रहते हैं, तो ऑर्बिटरल मूवमेंट करते हैं जैसे ठीक कोई ना कोई प्लैनेट होंगे जो भी यहाँ पे वो प्लैनेट इसके चारों तरफ घूमते हैं और अपनी एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं इस तरीके से, इसके चारों तरफ जैसे घूमते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने सन के साथ कंपेयर किया कि ये सन है और ये यहाँ पर कंपेयर किया कि प्लैनेट है, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ठीक वैसे ही घूमते रहते हैं जैसे यहाँ पे
न्यूक्लियस जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। तो इन्होंने ये जो मॉडल दिया, ये मॉडल कहाँ पे फेल हुआ और इसके साथ कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक है, वो फेल दरअसल क्यों हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, यानी इसकी विशेषता क्या थी। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ऑलमोस्ट टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास जो है न्यूक्लियस के अंदर है। इन्होंने कहा कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो इनसाइड न्यूक्लियस होता है, इनसाइड न्यूक्लियस बोल दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूट अराउंड न्यूक्लियस एट फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, ठीक है, और वो पाथ से होते हैं वो सर्कुलर पाथ है। इन्होंने कह दिया कि वो जो पाथ है वो कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उस पे इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन को घूमते समय बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक जो है अट्रैक्टिव अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो बोलता है, ये बोलता है कि ये जो है फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया। अगला पॉइंट क्या दिया यहाँ पे कि द टोटल मास जो है ऑफ एटम, द टोटल मास ऑफ एटम इज इनसाइड न्यूक्लियस। किसी एटम का टोटल मास न्यूक्लियस की वजह से ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, टोटल मास भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ये बात इन्होंने कही, ठीक। जितने बच्चे यहाँ पे जल्दी जल्दी लिंक शेयर कर देना, ठीक। सौरभ, थैंक यू, ठीक है, शेयर करते जाना आगे, ठीक है बेटा, जल्दी से जल्दी शेयर करते जाना, क्योंकि इस क्लास में हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट पूरा कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूट करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स पाथ पे, ये सर्कुलर पाथ होता है, टोटल मास एटम का इनसाइड न्यूक्लियस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो जब ये सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगता है और न्यूक्लियस की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज लगता है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक्सपीरियंस करता है टू फोर्सेस, है ना, दो फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है, वन रेडियली आउटवर्ड, वन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और ये बाहर की तरफ लगने वाला mv square by r है, जबकि जो न्यूक्लियस की तरफ जो लग रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है फोर्स, ठीक है, वो कौन सा है, वो ठीक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो दूसरा जो है वन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, वन टूवर्ड्स न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस की तरफ लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और ये जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं दोनों फोर्स, इस वजह से जो है वो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है, ठीक, ये इन्होंने बात बोली दोस्तों, ठीक। इसके अलावा इन्होंने जो अपना मॉडल दिया, अब इस मॉडल को इन्होंने देने के बाद में इनको कहाँ पर जो है प्रॉब्लम आई, कहाँ ये फेल हुए, वो पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे लाइक इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं आपसे कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो आंसर है उसमें दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में एटम होता है, ठीक है, एटम के दो पार्ट्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, एटम के दो पार्ट्स होते हैं। इन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कि सेंट्रली लोकेटेड होता है, बिल्कुल सेंटर में, और ये वेरी डेंस है, ये बहुत ज्यादा, ठीक है, डेंस होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इसी के अंदर है, ठीक है, और टोटल मास भी इसी के अंदर होता है, ठीक है, ये इसके अंदर होता है, क्लियर। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवोल्यूट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, रिवोल्यूट अराउंड द न्यूक्लियस, और ठीक किसमें मूव करते हैं, ऑर्बिट्स में, इसमें ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट्स इन्होंने कहा, ठीक, ये बातें याद रखनी है। अब ये रदरफोर्ड फेल कहाँ होते हैं, ये बात ध्यान देनी है, अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। फेलर, इनका फेल्योर कब हुआ, ठीक है, इसमें फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल कहाँ जाके फेल हो गया,
ये बात ध्यान देने वाली बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चन पूछता है रदरफोर्ड का मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा होता है, ध्यान समझिएगा, जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वो ठीक रियलिटी में क्या कैसा होता है, इन रियल, इन रियलिटी, ठीक है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ठीक लीनियर होता है। लीनियर का मतलब कि इस तरीके से अगर उसका स्पेक्ट्रम जब कभी स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रम में इस तरीके से लाइंस आती हैं, उसके स्पेक्ट्रम में ऐसी लाइन दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोर करेंगे एक्सप्लेन, लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फोन सीरीज वगैरह ये सब चीज उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये लीनियर स्पेक्ट्रम है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। ये वाली बात याद रखनी है, यानी कि जो स्पेक्ट्रा होता है ना उसमें मतलब लाइन्स होती हैं, जो जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, याद रखना ये क्वेश्चन याद रखना, जब कभी किसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब जब आएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या है कि वहां पे जो जैसे जैसे यहां से आपने कोई रेडिएशन भेजा और यहां पे आपने कोई जो है सैंपल लिया हुआ है, यहां कोई एटम्स का सैंपल लिया हुआ है, एटम की वेपर ली हुई है पूरी, ये एटम्स की वेपर है, ठीक है, ये एटम्स की वेपर है, ठीक, ये सैंपल है, इस सैंपल के अंदर से हमने एक रेडिएशन जैसे पास कराया, ठीक है, एक रेडिएशन पास कराया, रेडिएशन के अंदर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इसके साथ में इंफ्रारेड और इसके नीचे यूवी, पूरा रेडिएशन एक साथ भेज रहे हैं। अब इसके बाद जो यहां से ठीक आउट हुआ उसको जब हमने, ठीक है, क्या किया, प्रिज्म या ग्रेटिंग का यूज करके जब इस तरीके से उसका स्पेक्ट्रम लिया हमने, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आया उस स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस जो है ठीक डार्क आई, डार्क आने का मतलब कि वहां पर वो जो आया रीजन उसमें कुछ ऐसा मिला आपको, ठीक है, ऐसा समझिएगा। उसका स्पेक्ट्रम में क्या था कि इस तरीके से स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए था वो स्पेक्ट्रम ऐसा होना चाहिए था, बात समझिएगा, थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूं मार्कर को, एक बार में होने लगेगा, मतलब स्पेक्ट्रम ऐसा होना चाहिए था एकदम चमकीला, मतलब कि जो लाइट आ रही थी जैसी आ रही थी वो सबकी सब उसमें से पास हो जानी चाहिए थी ना, ठीक है, टोटल लाइट पास हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये देखा गया कि जब ये स्पेक्ट्रा इसका स्टडी किया गया इसके स्पेक्ट्रा में कुछ डार्क लाइंस मिलनी शुरू हुई, यानी कि कुल मिला के क्या हुआ कि कुछ रीजन जो था वो ठीक क्या था, कहीं कहीं पर ऐसा ऐसा मिला रीजन, जैसे ये देख लें, ये मिला, यहाँ कुछ लाइन मिली, ठीक, उसके बाद यहाँ कुछ लाइन मिली ऐसे, फिर लाइन मिली, लाइन मिली, लाइन मिली, लाइन मिली, हाँ ठीक, फिर एक आध लाइन ऐसी मिली। तो इसका मतलब ये था कि इसमें जो है लीनियर स्पेक्ट्रा था एब्जॉर्प्शन में, मतलब कुछ लाइंस मिस हैं, इसका मतलब कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया इसने, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, समझना बात, ठीक। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसा था कि मतलब जो है जो पूरा चमकीला आना चाहिए था वो ना आकर के कहीं कहीं पर लाइंस आई थी। दूसरी बात जो अगर हम करें तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखेंगे, सेकंड पॉइंट देखें अगर, कि अगर यहाँ से रेडिएशन जो है ठीक पास तो हो गया, अब उसके बाद जब ये खुद कभी रेडिएशन इमिट करेगा, जब ये खुद कभी रेडिएशन इमिट करेगा ना, जब ये खुद कभी रेडिएशन इमिट करेगा तब क्या होने वाला, जरा ध्यान देना, जब ये रेडिएशन इमिट करेगा तो इसके इमिट करने वाले रेडिएशन को जब हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रा। ये कौन सा स्पेक्ट्रा होगा, इमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक। इमिशन स्पेक्ट्रा जो आता है उसके अंदर क्या होना चाहिए था कि जो इमिशन जब हो रहा है तो इमिशन होते समय सिर्फ सिर्फ ये कुछ लाइन्स को ही इमिट करता है, जो यहाँ पे मिसिंग है वही यहाँ पर सामने आ जाएंगी, देखना, ठीक है, जो वहां पे मिसिंग थी वही वही लाइन्स यहाँ पे इसके सामने ये यहाँ पे आ जाएंगी, जो उसने एब्जॉर्ब किया था वही इमिट करता है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक। उसी तरीके से अगर ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे लाइन यहाँ पे मिस थी वही यहाँ पे आ जाएगी, जो लाइन मिस थी वही यहाँ पे लाइन आ जाएगी, जो लाइन मिस थी वही यहाँ पे लाइन आ जाएगी, जो लाइन मिस थी वही यहाँ पे लाइन आएगी, जो लाइन मिस थी वही यहाँ पे लाइन आ जाएगी, इसी तरीके से ये होगा और इसी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे हमको ये मिलने वाला है। तो इसका मतलब कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा में लाइन्स होती हैं, तो इसका एक्चुअल स्पेक्ट्रा लीनियर होता है, ठीक है, किसका, एटम का स्पेक्ट्रा लीनियर होता है, लेकिन जो रदरफोर्ड जिस तरीके का अपना मॉडल बताए थे उसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, बात समझना ध्यान से, ये तो ऐसा होता है, ऐसे 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 मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। तो लेकिन जो रदरफोर्ड जिस मॉडल बताए थे उसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए था, ये बात ध्यान देना। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ठीक, जैसे उसने बोला, उसने क्या बोला था पता है,
कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है, तो लगातार अगर घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा और एनर्जी जब रिलीज होगी, ये कौन कहता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी कहती है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक थ्योरी कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल का चक्कर लगाता है और दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर अलग है, जैसे पॉजिटिव के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूमेगा, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हो गई थी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आज भी आप सर्च कर सकते हैं कि कब जब कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चक्कर काटता है तो उसको एनर्जी लूज करना होगा, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो एनर्जी लूज करते 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 उसका पाथ छोटा होता जाएगा घूमने को, न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए अल्टीमेटली। ये तो एक चीज ये हो गई। दूसरी बात, चलो ठीक है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, उसका कारण कुछ और हो सकता है, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जो एनर्जी रिलीज करने वाली बात है वो तो करेगा ना, क्योंकि उसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है क्योंकि वो घूमते समय उसको स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगता है जो बैलेंस किए रहता है, यानी इसका मतलब ये कंफर्म है कि लगातार इलेक्ट्रॉन घूमता है, अगर कभी रुकेगा तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा पक्का, और रुकेगा तो फिर वह एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, और जब लगातार घूम रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा तो जब कंटिन्यू एनर्जी रिलीज होगी, तो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज अगर होती तो फिर यहाँ पे क्या होता, ये जो स्पेक्ट्रा है ये इसमें लाइन्स नहीं आनी चाहिए थी, ये लाइन्स मिसिंग लाइन्स क्या शो कर रही है भाई, या यूं कहें स्पेक्ट्रा इमिशन वाले पे बात करें तो इमिशन वाले में तो कहीं कहीं ही लाइन आ रही है, इसका मतलब ये लग रहा है कि कभी कभी एनर्जी रिलीज कर रहा है, हमेशा तो एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है, तो क्या मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन रुक नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहा है, यही बात नहीं समझा पाए रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार चल रहा है तो फिर एनर्जी लगातार रिलीज क्यों नहीं हो रही है, यही बात वो नहीं बता पाए। दरअसल एटॉमिक मॉडल में जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई तो सबसे बड़ी तो ये मिरेकल था कि हाँ पता चल गया पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे, वो जब न्यूक्लियस की तरफ गए तो न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज ने उसको रिपेल कर दिया, ये खास बात ध्यान रखने वाली थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी। तो अब यहाँ पे जो मॉडल आता है रदरफोर्ड का उसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए, स्पेक्ट्रा शुड बी, ये पॉइंट याद रखिएगा, स्पेक्ट्रा शुड बी, रदरफोर्ड का स्पेक्ट्रा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें नो लाइन, यानी नो लाइन, ठीक, नो लाइन, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो लाइन तो होती है, बस यही पर रदरफोर्ड फेल हुए, ये बात आपको बहुत अच्छा से याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10^-15 मीटर होता है, और जो एटम का साइज होता है वो 10^-10 मीटर का साइज होता है, ये याद रखना, एटम का साइज 10^-10 यहां पीछे लिखवा देते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल में साइज ऑफ एटम जो है 10^-10 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है, और जबकि साइज ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने कहा 10^-15 मीटर के ऑर्डर का होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है वो 10^8 टाइम्स है दैट ऑफ एटम, पूरे एटम की तुलना में न्यूक्लियस 10^8 गुना ज्यादा डेंस है, ठीक, ये इन्होंने बातें बोली, तो ये चीजें याद रखने वाली सारी बातें, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा, चलिए तो अब ये बात आ गई है क्लियर, अगर तो यहां तक देख लेते हैं बच्चों का क्या कुछ है रिएक्शन, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं, ठीक है, यस, ऋषिराज क्या बायोलॉजी में दिक्कत हो रहा है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल बताते हैं, चिंता ना करो, ठीक है, लेट अस कंप्लीट द क्लास, ये क्लास कंप्लीट होगी और तब आना क्लास के अंदर ना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है, 100% बता दूंगा, ठीक है, ऐसे किसी चैनल को इस तरीके से प्रमोट नहीं करते, और क्योंकि वो थोड़ा गाइडलाइंस के खिलाफ होती है बातें, ठीक है, तो लाइव के अंदर हम ऐसा कर नहीं सकते, तो एक बात ध्यान देना लेकिन कि एक मेल कर देना मुझको अपनी मेल आईडी से, तो फिर मैं जो है आपको जो है वहाँ पे भेज दूंगा कि कौन से चैनल पे आप बायोलॉजी देखिए या क्या चीज़ देखिए, कैसे देखना है, क्या करना है, 50+ तो आराम से आ जाएगा यार, ठीक है, 50+ तो हम दिलवा दें हम बता दें ये चीज़ जाके पढ़ लो और वही वही चीज़ आ जाएगा एग्जाम में पक्का,
बायोलॉजी कौन सी बहुत बड़ी बात है, 100% वही वही चीजें आ जाएंगी। बायोलॉजी की तो बात ही मत करो ऐसा कि उसके अंदर क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे कि हाँ क्या नहीं आएगा। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बायोलॉजी तो हम बता ही देंगे, 100% बता देंगे, और नीट के लिए भी बताएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, तो बायोलॉजी के ऊपर हम एक छोटा सा जो है क्लास ले देंगे कि हाँ बच्चे ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाएं, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी के लिए, तो वो हम बता देते हैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, शाम उनके समय किसी भी क्लास में बता देंगे, नहीं तो तुमको हम मेल कर देंगे, तुम मेल कर देना तो उसको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चा, चलो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में हम चलते हैं अगले मॉडल की तरफ, ठीक, जो है बोर का एटॉमिक मॉडल। तो बोर के एटॉमिक मॉडल की तरफ जाने से पहले यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की हम बात करेंगे, और थोड़ा सा जो है ठीक 5 मिनट का यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं ताकि पानी वगैरह पी लीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 1 घंटे की क्लास लगभग चल गई है, तो 5 मिनट का छोटा सा एक, ठीक है, छोटू सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, छोटू सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने मिनट का? ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो
चलिए बच्चों वापस आ गया हूं। सत श्री अकाल पिंड मानसा, नवे नवे बंदे आई जाते। हाँ भाई ठीक, सैंडी सही बोल रहे हैं, आज हो सकता है 1K। वन के आज करना है जल्दी से जल्दी, आज सबको सब लोगों को मिलके 1K कर देना है आज। ठीक है क्लास दोबारा से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बता रहा था यहाँ पर कि जो बोर का मॉडल है, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियाँ थी, उसके बाद में बोर का जो मॉडल आया, तो बोर के मॉडल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं, उससे पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात होगी, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन आएंगे। तो ये दो टॉपिक आप जो है बहुत अच्छे से ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है बच्चों आपका, ठीक, ये टॉपिक आ रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से। तो जैसा कि हेडिंग के अंदर ही बहुत क्लियर हो गई बात एक, कि रेडिएशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं, जितने भी रेडिएशंस हैं, ठीक है, रेडिएशंस का नेचर कैसा होता है, क्या रेडिएशन वेव होती है या रेडिएशन पार्टिकल होता है। तो ये बात पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, तो रेडिएशंस क्या होते हैं, तो रेडिएशंस वेव है या रेडिएशन एक पार्टिकल होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। रेडिएशन एक पार्टिकल है, ठीक है, रेडिएशन जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं कि रेडिएशन वेव्स होती हैं। तो आंसर इसका ये है कि वास्तविकता में रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है, ठीक, डुअल नेचर होता है, ठीक है, ना तो केवल वेव होता है, ठीक, ना ही केवल पार्टिकल नेचर होता है, रेडिएशन रादर देन डुअल नेचर का होता है। इसके लिए जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या किया गया, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन को स्टडी किया गया, रिफ्लेक्शन, ये रेडिएशन में रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, रिफ्लेक्शन को ये कैसे जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक, इसका पार्टिकल नेचर, इसका वेव नेचर। दूसरा रिफ्रैक्शन पे एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, इसके बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया इंटरफेरेंस पे, तो इंटरफेरेंस क्या होता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बात डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन पे बात किया गया, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, ये बातें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और साथ में फिर आता है बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ध्यान देनी इतनी बातें। तो अब इसमें जो है, ठीक है, जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये डिटेल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड तो सवाल आता है नीट में। इसके अलावा ये जो पोर्शन आप देख रहे हो कि इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, ये दोनों कहीं ना कहीं आप फिजिक्स में तो अलग से पढ़ेंगे ही, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है। लेट अस फर्स्ट, ठीक है, कंप्लीट द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन डुअल नेचर का होता है, रेडिएशन वेव भी है, रेडिएशन पार्टिकल नेचर का भी होता है। और यहाँ पे जो रेडिएशन की बात हो रही है, सच में कौन से रेडिएशन की बात हो रही है, जैसे एक सोर्स ऑफ कोई भी एनर्जी है, जैसे सन है, तो सन से आने वाले जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दरअसल, ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट होते हैं वो पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के और साथ साथ में, ठीक है, जो रेडिएशन के चलने की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर प्लेन्स में वाइब्रेशन करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे सन से आने वाली जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, देखो नाम में इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो चीजें हैं, तो वेव्स ये कैसी वेव्स हैं, ये एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स वेव होती है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये वेव जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें दो, ठीक है, फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पहले दिखाएंगे, ठीक है, ये हम दिखा दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहे होंगे, मतलब पार्टिकल्स जो है इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जब कभी वाइब्रेट करते हैं तो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, ठीक। तो ये ट्रांसवर्स वेव बनती है जब कभी मैटर में होता है तो, लेकिन ये तो मैटेरियल वेव तो है नहीं, ये तो कैसी है, ये एक रेडिएशन है। तो इस केस में तो पार्टिकल का कहीं सवाल है नहीं, ये पार्टिकल नहीं है, ये दरअसल क्या है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, हमने यहाँ पर दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ये दिखा दिया बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। और अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और इसके साथ साथ में अब दूसरी जो फील्ड दिखाएंगे वो हम बच्चा यहाँ पर दिखाएंगे आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा देंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिखा देंगे दूसरी फील्ड। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में दिखाएंगे, ठीक है, इस प्लेन में दिखाएंगे, जो प्लेन आप देख पा रहे होंगे अब। तो इस प्लेन में दिखाने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये इस तरीके से चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ठीक, समझ में आ रही है बात। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो ये आप देखेंगे कि वो कुछ इस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट है दोनों, वो एक दूसरे से क्या है, ठीक, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया हमारा, ठीक है बच्चा। ये कौन सा फील्ड है, दिस इज ये बच्चे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या 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 है, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये अगर हम कहें, मान लेते हैं कि ये एक एक्सिस मान लेते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली एक्सिस जो है इसको मान लेते हैं वाई, और ये वाली एक्सिस जो है ये जेड एक्सिस ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस है, ठीक है, इस जेड एक्सिस में और ठीक एक्स एक्सिस में, यानी कि एक्स जेड प्लेन में, ये वाला प्लेन जरा हरे वाले का देखो, ये हरे वाले का प्लेन जरा देखो, ये हरा वाला जो प्लेन है ये एक्स जेड प्लेन है। एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट वाइब्रेट कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे ये वाई एक्स जो प्लेन आ रहा था, ठीक, एक्स वाई प्लेन जो आ रहा था, एक्स वाई प्लेन में अगर आप देखोगे ये वाला प्लेन एक्स वाई है, ये वाला प्लेन एक्स वाई है, ये अगर देखोगे तो ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है ना, ठीक है, समझ रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में आप देखोगे अगर, तो एक्स वाई प्लेन में आपको दिखाई क्या दे रहा है कि जो ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो वाइब्रेट कर रहा है, और जो वाई जेड एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में आपको दिखाई दे, सॉरी, ये यस एक्स वाई है और ये एक्स जेड प्लेन है, ठीक। और जो हमारी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये, ठीक है, एक ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मुड़ती है ना मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये क्या काज करती हैं, जो ये रिफ्लेक्शन काज करती हैं, रिफ्रैक्शन होता है, ये इंटरफेरेंस कराती हैं, इनमें डिफ्रैक्शन होता है, इनमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इनमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी, ये ठीक है, में भी ठीक है, इसको स्टडी करा जा सकता है, ठीक, यानी कि ये ब्लैक बॉडी जो होती है उससे भी ये रेडिएशन जब निकलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही निकलते हैं ब्लैक बॉडी से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या है कि जो ये रेडिएशन निकल रहा है, चाहे किसी सोर्स से, ठीक, या कोई जो है सिंक में ये रेडिएशन जाकर के एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। और लाइट क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट को ही स्टडी साइंटिस्ट ने किया कि लाइट क्या क्या शो करता है, और जो जो प्रॉपर्टी लाइट शो करता है वो क्या पार्टिकल के प्रॉपर्टी है या वेव के प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस बात पर जोर दिया गया। तो फिर यहां से ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर फिनामिना लाइट शो करती है जिसको हम, ठीक है, वेव से भी पार्टिकल दोनों नेचर से शो कर सकते हैं। एक खास बात बता दें कि जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, उसको न्यूटन जो है फेवर करते थे, न्यूटन उसको पार्टिकल मानते थे, और जो हाइगेंस थे, ठीक है, HUYGENS, हाइगेंस जो है वो वेव थ्योरी में विश्वास करते थे कि लाइट जो है वो वेव होती है। यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वास्तविकता में, जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो, ठीक है, यहाँ पे वेव आप जो देख रहे हैं या रेडिएशन देख रहे हैं, ये लाइट को ही जो है मेनली स्टडी किया गया। अब लाइट जो विजिबल लाइट है, तो विजिबल लाइट हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बात ये मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या
कि जो एक रेंज दी गई है ना, जो एक रेंज दी गई है, ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, जैसे रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो पूरा का पूरा दिया गया है आपके एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें कि हम कॉस्मिक रेज से कहानी शुरू करते हैं। जैसे उसमें हम कॉस्मिक रेज लेते हैं, गामा रेज लेते हैं, फिर एक्सरे लेते हैं, फिर उसके बाद यूवी रेज लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे विजिबल लेते हैं, ठीक है, वी आई बी जी वाई ओ आर, फिर इसके बाद में इंफ्रा रेड लेते हैं, ठीक, इसके बाद में यहाँ पर हम माइक्रोवेव लेते हैं, और फिर इसके बाद में हम रेडियो वेव्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है, ये तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो ये अगर देखेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, ठीक है। रेडिएशन जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है इस तरफ जाने पे, लेकिन इस तरफ देखा जाए तो, ठीक है, इस तरफ देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का, ठीक, ये क्या है, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ इंक्रीज कर रही है बैक साइड में, ठीक, क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी रेंज को आपको याद करना है कि जो ऑर्डर होता है फ्रीक्वेंसी का, वो किसका क्या होता है, जैसे एक्सरे का, गामा रे का, यूवी रेज का, कॉस्मिक रेज का। तो ये पूरी एक टेबल आपकी बुक में बनी होती है एनसीईआरटी में, वो आपको 100% लर्न होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है, कहीं ना कहीं से आपको 100% मिल सकता है, माइक्रोवेव्स का मिल सकता है, इंफ्रारेड का मिल सकता है, रेडियो वेव्स का मिल सकता है, यूवी रेस का मिल सकता है। ये चीज़ आपको याद करनी है, ठीक। तो वो टोटली रिमेंबरिंग बेस्ड चीज़ है, वो तो आपको याद करना ही होगा, तो ये जरूर आपको याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, डुअल नेचर का रेडिएशन होता है। अब डुअल नेचर का रेडिएशन होता है तो उसमें इंटरफेरेंस क्या होता है और डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसकी पहले बात करते हैं। तो ब्लैक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहली बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो बच्चा देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिरकार क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वास्तविकता में क्या होता है कि यहाँ पे एक, ठीक है, फोटो से मतलब होता है सनलाइट, है ना, और ठीक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि सनलाइट की वजह से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो पढ़ ही चुके हैं सब बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, हालांकि, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से एक्सप्लेन, ये छोटा सा ठीक कर देते हैं एक्सप्लेनेशन, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि इसमें जो है, यहाँ पे फोटोवोल्टेइक सेल में यहाँ पे एक तरफ से विंडो लगी होती है, इस विंडो के जरिए यहाँ पे क्या करते हैं कि हम सोर्स ऑफ ठीक लाइट का यूज करके और यहाँ पे इरेडिएट करते हैं इसको, ठीक। यहाँ पे एक कैथोड लिया गया है, जिसको कि सी प्लेट बोलते हैं, या इसको इमीटर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे सामने जो है, ठीक, एक दूसरी प्लेट ली गई है, कलेक्टर प्लेट, मतलब जो है, ठीक, ये कलेक्टर है, और कलेक्टर जो होता है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक, जहाँ से इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ से आएंगे। ध्यान देना, आप सभी लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल पर होती है, पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल पर होती है। यहाँ की वगैरह है, क्लोज है, ठीक है, और यहाँ पे एमीटर वगैरह लगा दिया जाता है साथ में, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पे ये जो कैथोड है, इसमें जैसे ही रेडिएशन आकर के टकराते हैं, तो रेडिएशन मतलब सनलाइट जैसे है, या फिर कोई भी लाइट जैसे ही टकराती है, लाइट के टकराने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, मेटल के सरफेस से बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का सरफेस से मेटल के निकलना बाहर और फिर जाना किस तरफ, टूवर्ड्स दी, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट जाना, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में, ठीक, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में, जिसको कि फोटोवोल्टेइक सेल कहते हैं, इसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा, एमिटर अपनी रीडिंग देना शुरू कर देगा। तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब जरा बात समझना, ये जो रेडिएशन आ रहा है, ना, ये रेडिएशन, ये दरअसल जो रेडिएशन आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएमडब्ल्यू है, मतलब ये लाइट है,
ठीक है, ये लाइट भी हो सकती है विजुअल, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आप उधर से भेज सकते हो, ये आपके कंट्रोल में होता है कि आप क्या इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टडी किया गया कि जब कभी इस लाइट की या जो भी लाइट का सोर्स यहाँ से यूज किया गया, उस लाइट की अगर हम जो है वेवलेंथ बदलते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, उस लाइट की अगर वेवलेंथ को बदलते हैं, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कम वेवलेंथ का यूज करते हैं या ज्यादा का यूज करते हैं, तो यहाँ जो करेंट आता है, ठीक, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ रही होती है, उस वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, वैल्यू पर करंट की फर्क तब पड़ता है जब यहाँ से उसकी इंटेंसिटी बदली जाती है। ये चीज आपको खास बात याद रखनी, फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, तो ये क्वेश्चन आता जरूर है हर साल नीट में, एक क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का 100% आता है जब फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में। तो जो यहाँ पे जो करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक जो करंट होता है ना, बात ध्यान रखना, जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, ठीक, डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, किसकी तरफ, एनोड की प्लेट की तरफ, या यूं कहें कि जो, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे होता है, फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं, ड्रॉपर बैच वाले सब जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, जो आने वाला फोटोन है यानी यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी वेवलेंथ पे या उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है बच्चा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लीजिए या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, ठीक, के ई ऑफ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो है डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी और, ठीक, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब यहीं से जो है ये बात क्लियर हो गई कि जो रेडिएशन है उसमें डुअल नेचर है। क्यों? क्योंकि जब ये रेडिएशन आ रहा है तो रेडिएशन आने पर उसको नजदीक भी ले आए तो भी जो है, ठीक, यहाँ निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे असर नहीं पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिल रही है वो कोई एक पार्टिकल जो है वही दे रहा है, और वो पार्टिकल कौन है, वो फोटोन है, एनर्जी का बंडल या एनर्जी का पैकेट है। और वो पार्टिकल जो है वो जब भी आकर टकराएगा तो वो चाहे मतलब जो लेट आ रहा है चाहे वो जल्दी आ रहा है, उसकी जो एनर्जी है पार्टिकल की वो किस पे डिपेंड करती है, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी किसका फैक्टर होता है आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द फैक्टर ऑफ वेव। तो दरअसल फोटॉन जो होते हैं वो वास्तविकता में क्वांटा या फोटॉन्स जो है वो एनर्जी के बंडल या पैकेट होते हैं, जो, ठीक, कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर वेव उसी के अंदर, ठीक है, इनहेरेंट है। तो उसमें वही जो है यहाँ पे ये प्रूव करता है कि वो, ठीक, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है, उसका अंदर वेवलेंथ भी है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वह पार्टिकल के जैसे, एक पार्टिकल जैसे किसी एक पार्टिकल के साथ ही जाकर न टकराएगा, एक पार्टिकल 10 पार्टिकल से तो जाके सीधे सीधे टकराता नहीं है। तो वैसे ही अगर आ रहा है एक फोटोन तो आने वाला जो फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करता है, एक फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकता, ये बात एकदम ध्यान रखना। तो इसको जो है, ठीक, स्टडी करने के बाद में यहाँ पे जो इसका इक्वेशन आता है, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो आपको सबको याद रखना होता है, आइंस्टीन, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब ये याद रखना है, ये सबसे पहली बात तो क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीजें बात कर लेते हैं, सारी बातें कर लेते हैं अभी, हम चिंता मत करिए। सबसे पहले आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। ये क्या कहता है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, ये कहता है कि जो आने वाला फोटोन था, ठीक, उसकी जो एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ फोटोन ये कहते हैं कि दो चीजों के बराबर होते हैं, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन दो काम में खर्च हो जाती है। जब भी फोटोन आके टकराता है, कभी भी मेटल की जो प्लेट थी उससे जाके टकराता है, तो प्लेट कौन सी है, पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है ये सीजीएम की प्लेट है, सीजीएम, ये एस ब्लॉक में, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है सीजीएम, ठीक, और इसका आयनेशन पोटेंशियल बहुत लो होता है, इसका जो आयनेशन पोटेंशियल है वो वेरी लो होता है, ध्यान देना इस पे, ठीक है। तो सीजीएम की प्लेट जो होती है, ठीक है, सीजीएम की प्लेट पे जब यहां से आकर के फोटोन जब टकराता है तो फोटोन की जो एनर्जी है वो दो काम में खर्च होती है, किस काम में खर्च होती है, जरा ध्यान से देखना, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है दो काम में खर्च होती है,
एक तो ठीक है वर्क फंक्शन के अगेंस्ट खर्च होती है, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो प्लेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड होते हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उससे छुड़ाने में कुछ एनर्जी खर्च होती है, और बाकी एनर्जी जो होती है वो ठीक उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। जैसे मान लेते हैं कि हम अपने घर में हैं ठीक है, और हमारा लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी लग जाए तो हम जाएंगे यूएस घूमने मान लेते हैं, तो यूएस जाएंगे तो एक तो हमारा पैसा खर्च होगा यूएस जाने के टिकट में ठीक, और दूसरा किस काम में खर्च होगा, यहाँ लेन देन जिन लोगों को करना है उन लोगों को पहले निपटाएंगे तभी तो जाने देंगे, नहीं तो बोलेंगे भाई ये तो जा रहा है अमेरिका, ये हमारा पैसा लिया है देगा नहीं। तो सबसे पहले लॉटरी लगेगी तो क्या करेंगे, जिनका सबका लेन देन करना है उनका लेन देन करेंगे, जो बचेगा पैसा उससे जो है टिकट, और उसके बाद जो बचेगा वो वहां पे ठीक है जो भी घूमेंगे ठीक है खाए पिएंगे उसमें खर्च होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, जो फोटोन की एनर्जी आएगी वो एक तो इस काम में खर्च हुई कि उसको छुड़ाने में ठीक, किससे, अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के छुड़ाने में खर्च होगी, जो बाकी एनर्जी बची वो एनर्जी फोटॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल गया, दौड़ के भाग के निकल गया इलेक्ट्रॉन ठीक है वो सरफेस से निकल गया। तो वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ठीक है, ये वर्क फंक्शन जो होता है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से होता है ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ठीक है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ठीक, ये वर्क फंक्शन है। प्लस जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इसको, किसको, फोटॉन को। तो इसी को एक्सप्रेशन के रूप में ऐसे लिखते हैं कि एनर्जी जो फोटॉन की होती है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ठीक है, ये माना जाता है कि एनर्जी किसी भी सोर्स से निकलती है या सिंक में प्रवेश करती है तो बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में करती है, उस बंडल ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। अब ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है, वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट से शो किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी से भी बच्चे जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो अब जरा हम हाफ एम वी स्क्वायर का इक्वेशन दिखेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, सबसे पहले कि जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। ये 100% तय है आना, ये नीट में श्योर है, ये आज मैं लिख के दे रहा हूं, नीट में श्योर है, नीट 2023 में ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है श्योर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकदम श्योर, ये चार नंबर यहां पर एकदम श्योर है ठीक है, ये चार नंबर एकदम श्योर है, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के तो 8 नंबर श्योर है एकदम ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट हो गया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो ठीक है वी है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच क्या होता है, एच यहां पे प्लैंक्स कांस्टेंट था, एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और यहां पे जो न्यू देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा, ये याद रखना, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है ठीक, सी क्या है रेडिएशन की स्पीड और लेमडा उसकी वेवलेंथ होती है। तो चाहे तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ठीक, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस डब्ल्यू नॉट ठीक है, जहां लेमडा नॉट क्या है वेवलेंथ, लेमडा क्या है वेवलेंथ ठीक है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ टकराने वाला फोटॉन इंसिडेंट रेडिएशन ठीक। अब जरा देखेंगे यहां पे जो हम देख रहे थे इक्वेशन देख रहे थे कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ठीक है क्या देख रहे थे डब्ल्यू नॉट प्लस ठीक डब्ल्यू नॉट सॉरी यहां लिख रहे थे कि एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, क्या लिख रहे थे एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब जरा देखेंगे केस ठीक, नाउ केस वन, व्हेन इंसिडेंट ठीक फोटॉन ठीक हैज न्यू बराबर न्यू नॉट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट के बराबर है ठीक, एट विच जब वो इस फ्रीक्वेंसी का फोटॉन टकराता है ठीक, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज नो काइनेटिक एनर्जी। जब एक विशेष फ्रीक्वेंसी का फोटोन टकराया, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है, एक न्यू बराबर न्यू नॉट का फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब आके टकराया इससे प्लेट से, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन जस्ट प्लेट के सरफेस पे तो आ गया लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो यानी कि मतलब न्यू बराबर न्यू नॉट कर दें और के ई बराबर जीरो कर दें। अब जो हमारा एक्सप्रेशन था ठीक है हाफ एम वी स्क्वायर, या यूं कहें कि जो एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में लिए थे कि एच न्यू बराबर हमने लिया था डब्ल्यू नॉट प्लस के ई
इसमें जो है वैल्यू पुट कर दें इसकी, और न्यू नॉट यहां पे लगाते हैं तो एच न्यू नॉट बराबर हो जाएगा डब्ल्यू नॉट प्लस जीरो हो जाएगा, यानी डब्ल्यू नॉट की वैल्यू एच न्यू नॉट आ गई। ये वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू है, जहां न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट क्या है याद रखना, व्हाट इज न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो एच की होती है वो 6.626 × 10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड होती है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। अब इस पर कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वर्क फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वर्क फंक्शन, व्हाट डू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसका फोटॉन जब टकराता है मेटल के सरफेस से तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर तो आता है लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी शून्य यानी जीरो होती है, ये ध्यान देनी है, ठीक है। ये बात पे ध्यान देना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू नॉट, ठीक। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, ये मिनिमम टर्म याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन फॉर विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज जीरो, ये बात याद रखनी है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा, बात समझ में आ गया। अब एक बात ध्यान से समझना कि अगर यहीं पे हम यहां पे लिखें कि जो एच न्यू बराबर, ठीक है, डब्ल्यू नॉट प्लस के ई था, उसमें अगर हम इसको एच सी बाई लेमडा करके लिखते तो फिर आखिरकार क्या करेंगे, यहां पे मान लेते हैं लेमडा बराबर लेमडा नॉट है तो इसको लेमडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड, ठीक है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। और थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या चीज होती है, ठीक है, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, तो अब वेवलेंथ के केस में जो देखो एनर्जी मिनिमम हमेशा रहेगी, एनर्जी मिनिमम, वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी का फोटोन टकराने पे, ठीक है, यानी कम से कम लॉटरी कितनी लगे कि हमारा कर्ज उतर जाए कम से कम, ठीक, तो वो क्या है, यानी कि मिनिमम एनर्जी फोटॉन की जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, वो मिनिमम एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या वही वर्क फंक्शन है, या वही क्या है बच्चा, वर्क फंक्शन है, ध्यान देना, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटॉन बाय विच इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी यहां पर लिख देते हैं अलग से कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन के ही बराबर होती है, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ ठीक इंसिडेंट फोटॉन फॉर विच इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज नो काइनेटिक एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती उसके पास, ठीक। अब एनर्जी मिनिमम है और फार्मूला हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन का इक्वल टू एच न्यू होता है या इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, तो जब हम ई को ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं तो ये न्यू नॉट और लेमडा नॉट है, तो जब ये मिनिमम है, जब ये मिनिमम है तो इसके लिए भी मिनिमम टर्म यूज होगा, लेकिन जब ये मिनिमम है तो इसके लिए जो टर्म यूज होगा वो मैक्सिमम टर्म यूज होगा, ये बस ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक बात है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैक्सिमम यूज होगा क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, द मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना, बात समझ में आ गया कि नहीं, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ठीक इंसिडेंट फोटॉन, इंसिडेंट मतलब टकराने वाला फोटॉन, ठीक है, इंसिडेंट फोटॉन बाय विच फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट कम्स आउट
विदाउट काइनेटिक एनर्जी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से बात सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वाली बात। ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तीन चीजें आ गई हैं यहाँ पे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया है, ठीक, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गया यहाँ पे। दूसरी चीज आ गई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या थी ये आ गई है, ठीक, और ये आ गई है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को डब्ल्यू नॉट से भी शो कर सकते हैं और इसको ई नॉट से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को किससे सिंबल से शो करते हैं, लैम्डा नॉट से शो करते हैं बच्चा। तो अगर अब हम देखें तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता चल गया कि डब्ल्यू नॉट जो होता है वो एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू नॉट को हम एच सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो डब्ल्यू नॉट है वहां पर ये दोनों चीजें आप दोनों एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। तो अब क्या लिख सकते हैं, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के ई, एक चीज। दूसरा एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई। तो आप ये एक्सप्रेशन, ये नीचे वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन साथ साथ में ये एक्सप्रेशन, ये सभी एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। हो सकता है किसी भी फॉर्म में आपको इक्वेशन दे दे और पूछे कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन गलत है, इस तरीके की चीज आपसे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब बच्चे को, ठीक है। जेई का शुरू करेंगे, जेई का शुरू करेंगे, बस एक आध दिन का और विलंब है बस, ठीक है। तो अभी आज की ये क्लास जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ये कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक ही रखेंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक ही इसको रखेंगे। इसके न्यूमेरिकल कुछ एकाध कराएंगे नेक्स्ट डे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, और इसके साथ साथ में, ठीक है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन शुरू करेंगे और फिर बाकी का बचाव पोर्शन खत्म करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है, एक इसी क्लास में ये खत्म होना संभव नहीं है, और फिर इसके बाकी के पीवाईक्यूज भी कराएंगे, ठीक है बच्चा। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर जो है लिंक शेयर करिएगा सब बच्चों को। यहाँ पे आपको ये क्लास जो है हम जो दे रहे हैं ये 180 आउट ऑफ 180 के लिए दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आप जो है ला सकते हैं केवल और केवल 50 दिन की तैयारी में। देखिए 50 डेज में 180 आउट ऑफ 180, सभी लोगों का जो है मन होता है कि वो एक MBBS डॉक्टर बने, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो हम उसके लिए पूरी तरीके से जोर लगा देंगे बच्चों, आपका सिलेक्शन करवा के मानेंगे, केमिस्ट्री से नहीं रुकने देंगे सिलेक्शन। तो बाकी चीज़ें जो हैं, ठीक, वो आपके साथ में लेके चलना है, बायोलॉजी भी और फिजिक्स भी, लेकिन केमिस्ट्री के लिए कुछ सोचना नहीं है। एलिमेंट एडुटेक पूरी तरीके से कमिटेड है कि वो आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक, आप बस पढ़ाई से ही करते रहिए एलिमेंट एडुटेक के साथ लग करके, और खूब सारी पढ़ाई करिए, आप अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, और खूब सारी पढ़ाई जम के करते रहिए इसी तरीके से, और दोस्तों में जल्दी से जल्दी एक जो है लहर की तरीके से इसको जो है पहुँचा दीजिए कि एलिमेंट एडुटेक आ गया है आप लोगों की केमिस्ट्री को सही करने के लिए। केमिस्ट्री के लिए वन एंड ओनली वन सोल्यूशन पूरे कंट्री में आ गया है हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और वो है एलिमेंट एडुटेक फॉर केमिस्ट्री। तो यहाँ आपके साथ हम रहते हैं हमेशा, छोटे से छोटे टॉपिक्स को भी लेके आते हैं, तो आपको कुछ सोचना नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट एडुटेक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर करते रहिए दबा करके, ठीक है। इसी तरीके से खुशियां बांटते रहिए और खुशियां जो है लोगों में पहुंचती रहेंगी, तो डेफिनेटली हम भी ग्रोथ करेंगे और हमारा ये परिवार बड़ा होता चला जाएगा और हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं बच्चों, अब अगली क्लास भी अभी जल्द ही शेड्यूल्ड है जम्मू कश्मीर जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसमें कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास एक रखी गई थी, कल भी और आज भी रहेगी। थोड़ा सा आगे टाइमिंग जरूर ये वाली क्लास का शिफ्ट होगा जो अभी क्लास होने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा गैप जो था वो उसमें बीच में जो होता है वो ऑलरेडी जो है बचा नहीं है, तो थोड़ा सा एक गैप जरूर होना चाहिए लगभग 45-1 मिनट का। तो ये वाली क्लास जो है थोड़ी सी लेट होगी अगले वाली क्लास, तो उससे कुछ ऐसा घबराना नहीं है, वो मैं नोटिफिकेशन के अंदर ही अभी जा करके, ठीक है, वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग जो है अगली क्लास में भी, और फिर उसके बाद शाम की जो क्लास चलती है वो आप जानते हैं एज इट इज, उस क्लास में आपको आज पढ़ने को मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें कि आप
पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, ग्राफ सब कुछ सीखने को मिलेगा, राउल्ट्स लॉ देखने को मिलेगा। आज की क्लास इवनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो मत अब जो है किसी तरीके से भी मिस करिएगा, क्योंकि वहां आपको मिलेंगे टॉपिक एक से एक समझने के लिए, और वो क्लास आपको मिस किसी कीमत पे नहीं करना है। कुछ भी काम हो उसको छोड़ दीजिए, आज शाम की क्लास मिस मत करना सॉल्यूशन चैप्टर से, क्योंकि वो वहां से आपका सिलेक्शन जो है रोक सकता है कहीं ना कहीं। वहां पर डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं और उसके क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। तो नीट वाले बच्चों को मैं कहूंगा कि जो शाम की क्लास होती है उसको भी कहीं ना कहीं फास्ट स्पीड करके जरूर देखा करें, और पहले के जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं इस चैनल पे डेफिनेटली उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, सारे ही चैप्टर तो है उसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना मेटीरियल पड़ा हुआ है ठीक है उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको अलग से नीट की क्लासेस ले दे रहा हूँ ताकि आप यही नीट की सीरीज देखें और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों। ठीक है सैंडी, लिटिल स्टार, ठीक है पिंड मानसा, कार्लो बाबा, ठीक है ऋषिराज, बायोलॉजी के लिए आपको बता देंगे। आप एलिमेंट एडुटेक @gmail.com पे जरूर मेल कर दीजिएगा।